गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी में पाठ 19 करेंगे मलेरिया। मलेरिया एक जो बुखार होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे होता है, इससे बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए। बच्चों, आपने अपने आसपास मक्खी, मच्छर, खटमल, जुएं आदि को देखा होगा। ये वातावरण में स्थायी रूप से रहकर मनुष्य का रक्त यानी खून चूसते हैं और अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? परजीवी। जो दूसरे का खून चूसकर पीकर जिंदा रहते हैं वो क्या होते हैं? परजीवी, जैसे मच्छर वगैरह, खटमल। भारत की आज़ादी से पहले पूर्व यानी पहले सन 1920 में रोनाल्ड रॉस, जो इंग्लैंड के निवासी थे, उन्होंने मलेरिया नामक रोग की खोज की। मलेरिया को विषम ज्वर भी कहते हैं। ज्वर मतलब बुखार होता है। विश्व में मच्छर की लगभग 1500 से अधिक प्रजातियां हैं। प्रजातियां मतलब अलग अलग तरह की जो उनकी वो है स्पीसीज, अलग अलग तरह के, जैसे एक उसके एक भी कीटा जो कीट होते हैं उनके अलग अलग प्रजाति होती हैं वो। किंतु हमारे देश में केवल 3 जातियां ही पाई जाती हैं, क्यूलेक्स, एडिस, एनाफ्लीज। ये आपको दिखा रखे हैं। इन जातियों में मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा मलेरिया रोग फैलाया जाता है। किसी भी जाति के नर मच्छर यानी कि मेल मनुष्य का रक्त नहीं चूसते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो मेल होते, मेल मच्छर, वो मनुष्य का रक्त नहीं चूसते हैं। फीमेल, फीमेल जो होती है, फीमेल मॉस्किटो, उन्हीं से ही मलेरिया ये फैलता है। जो मेल मच्छर होते हैं, मेल मॉस्किटो, ये मच्छर फूलों और फलों के रस पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये तो सिर्फ फूल और फलों का रस चूसते हैं, लेकिन जो मादा मच्छर है वह मनुष्य का खून चूसती है, रक्त। मादा मच्छर जब मनुष्य का रक्त चूसती है तो वह मनुष्य के रक्त में अपना थूक डाल देती है और इसी थूक के साथ प्लाज्मोडियम यानी मच्छर मलेरिया फैलाने वाला जो प्रोटोजोआ होता है वो मनुष्य के रक्त में पहुंच जाता है और इसी के कारण मलेरिया रोग फैल जाता है। एक बार डॉक्टर रॉस कुछ फौजी जवानों को, जिन्हें बुखार था और वे सर्दी से कांप रहे थे, देखने गए। उन्होंने सोचा कि इस बीमारी का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। उन्होंने इसकी खोजबीन शुरू की, मतलब जांच पड़ताल, लेकिन कुछ पता न चल सका। उन्होंने अनेक प्रकार के मच्छरों की जांच की। उन्होंने देखा कि एक मच्छर रोगी के शरीर पर बैठा है जो अन्य मच्छरों से भिन्न था, मतलब अलग था। यही मच्छर इस रोग का मुख्य कारण है। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने फौजी जवानों को बताया कि यह मच्छर रोगी के शरीर से रक्त चूसकर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। मतलब जैसे कि वो मच्छर है जो मादा एनाफ्लीज, वो जिसको कोई बीमार है, जैसे जिसको बुखार हो रखा ये वाला मलेरिया, उसके उसका खून चूसा, फिर उसने जो एक स्वस्थ आदमी, हेल्दी आदमी है, उसका खून चूसा तो उसमें ही उसके कीटाणु चले जाते हैं जो मलेरिया के, तो दूसरा आदमी को भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे ये मलेरिया रोग फैल जाता है। मलेरिया रोग से बचने के लिए मच्छरों का विनाश आवश्यक है। मच्छरों से ये फैलता है। ये मच्छर गंदी नालियों, गड्ढों एवं तालाबों आदि के किनारे घास फूस में रहते हैं। इनके रहने के लिए नमी एवं अंधेरे वाले स्थान विशेष उपयुक्त होते हैं। मतलब इन मच्छरों को नमी, गीलापन और अंधेरा पसंद है ज़्यादा। वे दिन में अपने आवास वाले स्थानों में छिपे रहते हैं और रात्रि में उड़कर मनुष्य का रक्त चूसते हैं। अधिक जाड़े और अधिक गर्मी में ये कम काटते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादा सर्दी में मच्छर खत्म हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी में भी खत्म हो जाते हैं। मादा अपने अंडे गंदी नालियों, गड्ढों, तालाबों आदि में देती है। मादा एनाफ्लीज एक बार में 40 से 100 तक अंडे देती है तथा मादा क्यूलेक्स एक बार में 200 से 250 तक अंडे देती है। इतने सारे मच्छर पैदा होते हैं एक बार में। मलेरिया रोग से बचने के लिए हमें मच्छरों के यथास्थान यानी कि जहाँ पे रहते हैं उसको नष्ट कर देना चाहिए, जिससे वे पैदा ना हो सकें। जहाँ भी गंदे पानी से भरे गड्ढे दिखाई पड़े उनमें मिट्टी का तेल या कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कनी चाहिए। सोते समय हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त प्रयोग द्वारा हम मलेरिया रोग से बच सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि टाइम टाइम पे मच्छरों को मारने के लिए छिड़कने वाली दवाई आपके घरों पे भी आते होंगे, जो दवाई छिड़क के जाते हैं वो इसी वजह से कि बीमारी ना फैले, मलेरिया, डेंगू वगैरह। और हमें अपने आसपास भी इसी वजह से साफ सफाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम इसकी वर्कशीट करेंगे। शब्द अर्थ: आज़ादी, स्वतंत्रता, विश्व, संसार, मादा, स्त्रीलिंग, रक्त, खून, निर्वाह, बिताना,
आवास घर, कीटनाशक कीड़ों को मारने वाली दवाई, विनाश खत्म करना, वाक्य बनाओ। मलेरिया, मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है। रोग, गंदगी में कई रोग पैदा होते हैं। मच्छर, मच्छर से बचाव के लिए मच्छरदानी व कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। आप कोई भी वाक्य और बना सकते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि उल्टे। आज़ादी, गुलामी। शुरू, अंत या खत्म भी लिख सकते हैं। जवान, बूढ़ा। नम मतलब गीला होता है, इसका क्या होगा? सूखा। रात्रि, दिन। स्थाई, अस्थाई। नेक्स्ट है शुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। जैसे ये गलत लिखा सांप्रदायिक, इसको हम सही करेंगे तो सांप्रदायिक ऐसे लिखेंगे। मात्रा का ध्यान देखिए। भूचाल, इसमें बड़े ओ की मात्रा आएगी, अगर हम सही करेंगे तो भूचाल। सुरक्षित नहीं होता, सुरक्षित होता है, ये ऐसे लिखा जाता है। प्रतीक्षा में यहाँ पे मात्रा आती है प्रतीक्षा, तो आप इन मात्राओं को ध्यान से देखेंगे कि शुद्ध करके हमने इनको कैसे लिखा है। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर, हमारे देश में मच्छर की कितनी प्रजातियाँ हैं? नाम लिखिए। भारत में मच्छर की 3 प्रजातियाँ हैं, क्यूलेक्स, एडीज, एनाफ्लीज। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, ये मैंने अभी आपको पाठ में पढ़ाया है। मलेरिया रोग के क्या लक्षण हैं? इसके मुख्य लक्षण हैं बुखार व सर्दी से कांपना, इसमें बहुत ठंड लगती है रोगी को। डॉक्टर रोनाल्ड ने फौजी जवानों को क्या बताया? डॉक्टर रोनाल्ड ने बताया कि मादा एनाफ्लीज मच्छर रोगी के शरीर से रक्त चूसकर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, जिससे वह मलेरिया नामक रोग का शिकार हो जाता है। मलेरिया रोग से कैसे बचा जा सकता है? मलेरिया से बचने के लिए हमें मच्छरों के निवास स्थान को नष्ट कर देना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कई ऑल आउट वगैरह भी आप लोग यूज़ करते हैं मच्छरों को मारने के लिए, अलग अलग तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो इन सब का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। थैंक यू।